हेलो नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए एक न्यू इन्फॉर्मेशन आ रही है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है आप सभी लोगों के लिए। न्यू रिक्रूटमेंट आउट हुआ है TSPSC की तरफ से, तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हैदराबाद। बेहतरीन रिक्रूटमेंट होने वाला, टोटल 1500 प्लस वैकेंसीज होने वाली हैं। टोटल 1540 वैकेंसीज है इन वेरियस डिसिप्लिन, ठीक है। BE BTECH एलिजिबल होने वाला है, सब कुछ डिटेल से बताऊंगा। उससे पहले दोस्तों अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लो, और इसकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। आप सभी लोगों को बताइए, हमने results.in न्यू वेबसाइट ओपन की है आप सभी लोगों के लिए, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर सबसे पहले अपडेट हर एग्जाम की वो वहीं पे मिलेगी, ठीक है। तो जाके देख सकते हो अपने आप को, ठीक है, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा उन सब की भी। तो दोस्त आप सभी लोगों के लिए न्यू रिक्रूटमेंट आउट हुआ है TSPSC की तरफ से, बेहतरीन वैकेंसीज हैं। और देखो अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन है, फुल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, क्योंकि फॉर्म इसके जो भरे जाएंगे वो आपके 20 सितंबर के बाद भरे जाएंगे, 22 सितंबर के बाद, ठीक है। तो इस वजह से अब मैं देखो इसमें बताता हूँ कौन कौन एलिजिबल है। BE BTECH कर रखी है आपने, डेफिनेटली यू आर एलिजिबल इन दिस। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है और ITI कर रखी है तो दोस्त आप इसमें एलिजिबल नहीं हो। केवल BE BTECH वालों के लिए ही वैकेंसी होने वाली, क्योंकि असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी है, असिस्टेंट इंजीनियर एग्जीक्यूटिव। केवल एग्जाम के बेसिस पर इसमें आपका सिलेक्शन होने वाला है, और जो पे लेवल है वो आपको 7 का मिलने वाला है, बहुत बेहतरीन वैकेंसी होने वाली है, और सैलरी आपको इसमें 90,000 प्लस मिलने वाली है। चलो अब डिटेल से बताता हूँ क्या क्या दे रखा है। और BE BTECH में अगर आपकी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल और भी रिस्पेक्टिव ब्रांच है तो आप इसमें एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। तो चलो मैं बताता हूँ आगे क्या। देखो अभी आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे वो 22 सितंबर से स्टार्ट होंगे और 15 अक्टूबर तक चलने वाले हैं, उसी के बीच में आपको भरना है। वैसे मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा कि भैया आप ओपन हो गए, क्लोज हो गए, सब कुछ वहां पे मैं प्रोवाइड करता रहूंगा, लेकिन मैं आपकी नज़र में बता देता हूं। और देखो AE सिविल में PR & RD डिपार्टमेंट में आपकी बैचलर्स डिग्री सिविल में होनी चाहिए। एज क्राइटेरिया 18 से लेकर 44 के बीच में होने वाली है, जनरल कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, EWS कैटेगरी के लिए। रिमेनिंग के लिए 5 साल और 10 साल जो मिलता है वो मिलेगा ही, 3 साल, ठीक है। और AE सिविल में और भी वैकेंसी हैं, 211, और AE सिविल में फिर द्वारा 147 वैकेंसीज हैं। ATW डिपार्टमेंट में इसमें BE BTECH सिविल में होनी चाहिए, इसमें भी वैकेंसीज हैं। अब कहोगे आप मैकेनिकल की कहाँ है, दोस्त देखो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एग्रीकल्चर और आपकी सिविल ब्रांच की भी है, इसमें 704 वैकेंसीज हैं टोटल मिला के, ठीक है। ये भी आपकी AE CAD डिपार्टमेंट की, INCADDI डिपार्टमेंट, ठीक है। तो इसकी तरफ से आपकी 704 वैकेंसीज हो जाती है, सबसे ज़्यादा तो सिविल की निकलती है, उसमें कोई डाउट नहीं है दोस्त। जहाँ कहीं भी आपका स्टेट सर्विसेज एग्ज़ाम होता है वहाँ पर सिविल ब्रांच की सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आउट होती हैं, जैसे कि SSC JEE में भी मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा सिविल की वैकेंसीज हैं। तो सिविल वालों के लिए तो भाई मतलब बढ़िया है, लेकिन इसमें मैकेनिकल की भी वैकेंसीज बहुत हैं, ठीक है। और टोटल देखो अलग से मैकेनिकल की देखोगे 3 है, फिर सिविल की 145 वैकेंसीज हैं। और चाहिए कि आपको देखो बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए और 65% प्लस होने चाहिए आपके, 65% प्लस होने चाहिए आपकी BTECH के दौरान, तो यही यहाँ पे मेंशन कर रखा है। इलेक्ट्रिकल की भी अलग से वैकेंसीज हैं, टोटल 1540 वैकेंसीज होने वाली हैं। ऑल ओवर इंडिया से लोग इसे फॉर्म भर सकते हैं, अभी डिटेल में नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, लेकिन जैसे डिटेल में जारी कर दिया जाएगा, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे यार 90% सीट तो वहाँ के लिए सीमित कर देंगे। देखो दोस्त ये Grade A और Grade B की वैकेंसी हैं TSPSC की तरफ से, जो लास्ट टाइम जो रिक्रूटमेंट निकला था जिसमें 95% इंटरनल कैंडिडेट के लिए सीट वैकेंट फिक्स कर रखी थी और 5% बाहर वाले लोगों के लिए भर रखी थी, उस समय ये था क्योंकि वो ग्रेड सी की वैकेंसीज थी, जो आपको सब इंस्पेक्टर लोकोमोटर करके जो वैकेंसीज आउट हुई थी, मैकेनिकल की जिसमें 142 के आसपास वैकेंसी थी, वो इसलिए थी क्योंकि वो ग्रेड सी की जॉब थी। अब ये Grade B और Grade A की जॉब है, इस वजह से इसमें ऑल ओवर इंडिया फॉर्म फिल कर सकता है, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा अभी तक जो मेरे को लगता है, व्हाट आई थिंक। लेकिन जैसे ही फुल नोटिफिकेशन आउट होगा वो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि फाइनल डिसीजन केवल बोर्ड का ही माना जाएगा, मेरे और आपके कहने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। और अब यहां देखोगे यहां क्या क्या दे रखा है कि देखो भाई साहब अभी तो कुछ नहीं दे रखा है इन्होंने, डिटेल नोटिफिकेशन 15 सितंबर को साइट पर जारी कर दिया जाएगा। अब एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं कि देखो किसके बेसिस पे पैटर्न होने वाला है, कैसा पैटर्न होने वाला है, सब कुछ मैं दिखा देता हूं। देखो ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है आपका, इसमें तो कोई भी सोचने वाली बात नहीं है, ऑनलाइन एग्जाम ही होगा। अब उस ऑनलाइन एग्जाम में क्या होगा वो मैं आपको दिखा देता हूं। देखो दो एग्जाम होंगे, पहला पेपर और दूसरा पेपर, जो कि 150-150 नंबर के और 150-150 मार्क्स के होने वाले हैं, ठीक है, और 150 ही क्वेश्चन होने वाले हैं उसमें, तो 150 ही होने वाला है। और जो पहले वाला पेपर होगा जो जनरल स्टडीज़ का है, उसमें देखो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी वगैरह सब कुछ पूछा जाएगा। और जो सेकंड पेपर होगा एक ही दिन में फर्स्ट सिटिंग में ही होगा, मतलब एक ही सिटिंग में आपके दोनों पेपर लिए जाएंगे, उसी में Part 1 और Part 2 हो जाएगा। जो दूसरा पेपर होगा वो पूरा डिसिप्लिन पर बेस्ड होगा आपका, यानी कि 50-50 का वेटेज मान सकते हो। चलो आपको मैं PDF दिखाई देता हूँ एक बार।
तो देखो दोस्त, ये है आपका पैटर्न, जनरल स्टडीज़ 150 मार्क्स, 150 मिनट, 150 क्वेश्चन, ठीक है। और सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री लेवल का आएगा 150 क्वेश्चन, 150 मिनट और 300 मार्क्स का, टोटल 500 होगा, 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होने वाला है। और जो पेपर का पैटर्न दे रखा है वो यहाँ पे दे रखा है। और सिविल इंजीनियरिंग का मतलब ये है कि मतलब सिविल इंजीनियरिंग होगी तो सिविल में आएगा, मैकेनिकल का हो तो मैकेनिकल वाला पार्ट आएगा, इलेक्ट्रिकल होगी तो इलेक्ट्रिकल, एग्रीकल्चर होगी तो एग्रीकल्चर, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया। 500 मार्क्स में से आपकी कट ऑफ डिसाइड होगी किस बेसिस पर होने वाला है। 50 नंबर का ही इंटरव्यू है, ज़्यादा से ज़्यादा वेटेज आपका रिटन टेस्ट का ही होने वाला है। तो जो कोई रिटन टेस्ट में फोड़ देगा, और इनडायरेक्ट वे में आपसे कहूँ, जो टेक्निकल में फोड़ देगा उसी का ये एग्जाम होगा, ठीक है। तो तैयारी करना शुरू कर दो, धुआं मचा दो। और देखो, अभी एलिजिबिलिटी के बारे में कुछ नहीं दे रखा है, जैसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी मुझे, छोटी हो बड़ी हो, मैं आपको टेलीग्राम पर अवगत करा दूंगा। तो जल्दी से आगे टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ मैं आपको प्रोवाइड करता ही रहता हूँ, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक जय हिंद, जय भारत।